अर्चना जी। हाँ जी। एगो बात कहें। कहो। कह दे। कहीं दो। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं तो आज तू जान मारत बारू। बहुते निकलागत बारू। इतना निकलागत बारू तोहरा अगर ट्यूबलाइट आज फेल हुई गवा। बहुत धन्यवाद बा, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि आज इस पंजाबी बंदे ने भोजपुरी नेटवर्क कैसे पकड़ लिया? एक्चुअली मैं भोजपुरी में आज बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज हमारे बीच भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार्स आ रहे हैं। अच्छा। और वो जब भी आते हैं बवाल मचाते हैं, आपको पता है। एक बार जोरदार तालियां भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। तो एक एक करके उन्हें यहाँ बुलाते हैं जोरदार। कप्पू धीरे बोलो, मेरे गेस्ट सो रहे हैं। तो तू थोड़ा ऊंची बोल, मेरे गेस्ट जाग रहे हैं। एक सेकंड, तेरे कौन से गेस्ट? जहां तक मुझे पता तेरे तो सारे रिश्तेदार दे आर इन तिहाड़ जेल। कैसे मतलब? डोंट वरी अबाउट माय गेस्ट, क्योंकि मेरे गेस्ट तुम्हारे ही शो के आज के गेस्ट हैं जो मेरे होटल में स्टे कर रहे हैं। व्हाट? यस। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गेस्ट को अपने होटल में रुकवाने की? फुल 100% हिम्मत हुई है। अब बोलो। ये ना फटाफट बुला लेते हैं, अगले दिन वाला किराया भी डाल देगी। गाइस प्लीज वेलकम मिस्टर रवि किशन, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी, रानी चटर्जी एंड आम्रपाली। ये किसका गिर गया? ये मेरा है। हे भगवान, आइए हम आपको पहना देते हैं। पैसे? ये बहुत अच्छा किया भैया, मेरे राखी के बंधन को निभाना। कपिल निभाई देना आप। यस। बहन बांधती है, भैया नहीं बांधते। भैया आपको कोई परेशानी तो नहीं होटल में? कपिल बाबू, इस होटल को तो बम से उड़ा देना चाहिए। उसमें क्या क्या परेशानी नहीं हुई है वो पूछिए। भैया इसको आप जेल क्यों नहीं घोषित कर देते? ये जो भैया कहते रहते हैं ना कि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। अर्चना जी, जी इसी के ऊपर शायद इन्होंने लाइन बनाया होगा। पता है क्यों? क्यों? कमरा में ठंड बा, गर्म पानी बंद बा। रवि भैया के हौसला बुलंद बा। मुझे तो लगता है ना भैया कि ये मेरी हार का बदला लेने के लिए रवि भैया जान बुझ के यहाँ मुझे। अरे दिनेश बाबू, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन खाली मैं एक बात बता दूं। जी। कपिल बाबू, ये होटल में रुकवाने से अच्छा आप हम लोगों को कहीं धरने पे बिठा देते, हम लोग आंदोलन कर देते। मतलब क्यों ये अत्याचार हम लोगों के साथ क्यों है? ये रात बहुत बहुत कठिन, चूहा छाती पे से नाच के गया। तो ये मतलब पूरी वेरी वेरी बाकी सब तो ठीक है। एक सवाल है आपसे। जी भैया। ये मोहतरमा को आपने यहाँ एज लड़की काम पे रखा है? एज लड़की? अरे ऐसा मत बोलो यार, शो की ले देगी, यही तो एक ग्लैमर है। कई बच्ची हैं। हाँ मतलब बुरी, मैं सच्ची बताऊं, मैंने नरहुआ भैया को देखा साड़ी में एक बार, इनका फोटो, कसम से आप साड़ी पहन के आते इससे अच्छे लगते आप। सीरियसली, फिर भी कोई ना कोई कमी रह जाती है, बड़ी नहीं हो रही है इतनी की उतनी है। छोटी चीज को ना कम मत समझो तुम कप्पू, मैं ना एक हैंडपंप की तरह हूँ, जितनी बाहर दिखती हूँ उतनी जमीन के अंदर। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। तो एक काम कर, तू जमीन में जाए, जमीन वाली को बाहर भेज के, पता वो अच्छी निकल आए। देखो वो अंदर वाली भूरी अगर बाहर आ गई ना तो अच्छे अच्छों को इंडस्ट्री से बाहर कर देगी। ये जो तू बड़ी बड़ी बातें करती ना, छोटी सी दवाई खा ले तो ठीक हो सकती है। कौन सी दवाई? कप्पू ये दर्द अब लाइलाज हो चुका है। हाय हाय। कुछ नहीं भाई, आप देख लो 3 साल में कोरोना के 3 वेरिएंट आ चुके हैं। हाँ। इसका 15 साल से एक ही वेरिएंट चल रहा है। नहीं बात, लेकिन एक बात है, वेरिएंट चाहे जितने भी आए पर सबका कहना यही है भैया जी, गो कोरोना गो, लगा दे भैया द कपिल शर्मा शो।
एंजॉय करते हैं। थैंक यू, सुंदर, थैंक यू, थैंक यू। नहीं लेकिन सॉरी सॉरी सर, सॉरी मैम कि मतलब मेरे होटल में कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो तो सॉरी, वो एक्चुअली मेरा स्टाफ जो है ना थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है क्योंकि मैंने अपने स्टाफ को ना फैमिली की तरह रखा है। स्टाफ को फैमिली की तरह नहीं, फैमिली को स्टाफ रखा हुआ है। मैं उस दिन गया अंदर रिसेप्शन पे, गया रिसेप्शनिस्ट बैठा हुआ है एक बेचारा बुजुर्ग आदमी, उसको डांट रही है तुम सफाई नहीं कर सकते, हटो। अगले दिन इसके घर गया, वही बंदा बैठा हुआ, कहती है यहाँ पे एज ए पापा जॉब करते हैं। फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है, गेस्ट चेकआउट कर चुके हैं, मुझे इनकी कॉम्प्लीमेंट्री मिठाई बॉक्सेस बनानी है। अच्छा। आप लोग प्लीज बैठिए, थैंक यू, तशरीफ बैठिए और मैं अभी आती हूँ। थैंक यू, जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए, आइए। कब पहले लेडीज, कैसे तुम बीच में आ जाओ। बैठने के साथ ये कहना चाहूंगा जी, आपको कि आपने अभी ट्रिपल आर की टीम आपके यहाँ आई थी जी, जी। और उसको अर्चना जी, जी। बिहार यूपी तो पूरा देश विश्व इसको देखता है इस शो को, लेकिन वो शो में आपने जो करवाया था खासकर जिंदगी झंडवा, और वहाँ के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और उसके इतने मीम्स बने, रील्स पे इतने आए, और मुझे लगता है ऐतिहासिक टीआरपी, उसके लिए आप लोगों को साधुवाद, कंग्रेचुलेशन। कपिल के शो को सबसे बड़ी टीआरपी आप लोगों को मिली, सारी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत पसंद किया गया, धन्यवाद, धन्यवाद। रवो भैया एक बात बताना, जब आपको सुबह पता चला कि मनोज भैया नहीं आ रहे हैं, उनको कोविड हो गया है, तो दुख तो हुआ होगा, लेकिन उसके बाद जब आपको पता चला रानी और आम्रपाली आ रहे हैं, तो फिर आपका मन खुश हो गया होगा। एक बार तो मन में आया होगा कि काश रवि भैया की फ्लाइट भी कैंसिल ही हो जाए आज। भाई ये जरूर इन्होंने, मैंने इनसे पूछा हाँ कि अरे भैया मैंने सुना कि मनोज भैया पॉजिटिव हो गए, हाँ। तो इन्होंने क्या जवाब दिया वो पूछिए। क्या बोले? देखो अर्चना जी, मनोज बाबू का अपने छोटे भाई है, मैं प्यार करता हूँ उनको, चलो इसी बहाने पॉजिटिव तो हो गए। मैं जानती थी यही बोलेंगे, मैं ये जानती। मुझे कपिल भाई, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, मैं सच बता देता हूँ आपको और समस्त देश को भी बता देना चाहता हूँ कि, और मनोज बाबू आप सुन रहे होंगे, आप भी जान लें, मैं गाना गाता नहीं हूँ, कभी मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन मैंने गाना गाया, एक रैप सॉन्ग गाया यूपी में सब्बा और वो गाना बहुत बड़ा हिट हो गया, शायद इसीलिए मनोज बाबू नेगेटिव हो गया। मेरे वो भाई, ये सवाल हमारी टीम में से, ये जो बैठे हैं चश्मे में हमारे बड़े टीम सीनियर टीम मेंबर हैं, इनका ये पूछना था कि पिछली बार जब आम्रपाली और रानी आई थी तब भी आप आए थे साथ में, इस बार भी आपके साथ आई हैं, तो आपके रिक्शा में हम जैसों के लिए जगह भी है कि खाली लड़कियां बैठ सकती हैं? नहीं लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, इन्होंने मुझे कभी रिक्शा पे बिठाया नहीं है। अच्छा जी, और सच बात मैं बताता हूँ, भैया मुझे हमेशा समझाते हैं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, नहीं।, नहीं। मैं बोला कि भैया मुझे जाने का है, कोई बुलाती ही नहीं। आम्रपाली, हम लोग रिसर्च कर रहे थे, पता चला कि आपके जन्मदिन पे निरहुआ भैया ने आपको बड़ा महंगा फोन गिफ्ट किया, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हम दिल के छोटे हैं, हम आपको अपना नंबर गिफ्ट करते हैं। और मैं ना आपको गिन्नी का फोन नंबर गिफ्ट करती हूं, है ना? ऐसी मौसी और बुआ जरूर होती है जो लड़के का काम खराब करती है। इनको जी गिन्नी भाभी फोन हाँ, आया था भैया का हाँ, गिन्नी जी का, भाभी नहीं, उसका नाम भाभी नहीं है, भैया का फोन आया था। सही था। वो भैया आप इतनी फिल्में आपने करी हैं रानी के साथ भी, आम्रपाली के साथ भी, आपकी जिंदगी में कोई ऐसी मौसी बुआ है जो आप कहती है सारी फिल्में एक ही के साथ करता जा रहा है? बहुत हैं, बहुत हैं, पता नहीं, हम फिल्म करते हैं साथ में और वो लोग इतना परेशान कर दिए कि मुझे ही लड़की बनना पड़ गया। बोलते हैं कि क्या मतलब हर फिल्म में आम्रपाली, जबकि सच ये है कि जिस प्रोड्यूसर को आम्रपाली जी या रानी जी, दोनों हमारी इंडस्ट्री के ऐसी हीरोइन हैं जी, अगर इनकी डेट्स मिल गई उनको हीरो चाहिए ही। अच्छा हाँ, चलो हम फीमेल ओरिएंटेड बनाते हैं। और मजे की बात है कि अगर आज हम दोनों भी नहीं आते यहाँ पर तो शायद आज
आप घर बैठे आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप आए इतने शॉर्ट नोटिस में रानी अभी तक तुमने कितनी फिल्में की हैं? आई थिंक 400 प्लस फिल्में हो गई हैं अभी। बाप रे। इस उम्र में अरे बहुत जल्दी 30 दिन का शायद शेड्यूल में फिल्म निपटा भी देते हैं मतलब बहुत फास्ट काम होता है जब तक हम लोग करते हैं 5 तब तक ये लोग कर लेती हैं 15 जहाँ एक्ट्रेसेस होती है जैसे मेरी फिल्में होती है वहाँ सिर्फ काम होता है वहाँ डिस्कशन थोड़ी होते हैं अपने सजेशन नहीं होते We are opinionated, जहां जरूरी हो वहीं पे बकर नहीं करते जब कोई पूछता है कि रानी जी आप क्या कहना चाहेंगे तब वरना हीरोज तो ऐसे फाइट करते हैं सेट पे कि मैं क्या बताऊं गंगा जमुना की याद दिला दी आपने क्या हुआ था गंगा जमुना में एक शूटिंग कर रहे थे हम लोग गंगा जमुना सरस्वती लाइक मुगले आजम हमारे सब जानते हैं उस फिल्म को बहुत अच्छे से मैं रवि जी के अपोजिट मनोज तिवारी जी के अपोजिट एक एक्ट्रेस थी रिंकू घोष इनके अपोजिट थी पाखी हेगड़े हम तीनों मतलब हम लोग शूट कर रहे थे एक्शन सीक्वेंस शूट होना था रवि जी का और मनोज जी का तो एक सीन के बाद एक्शन शुरू करने के लिए दोनों को क्यू लेना था कॉलर पकड़ के मनोज जी कहते हैं कि वो पुलिस थे और ये दोनों चोर थे उसमें तो मनोज जी कहते हैं कि तुमको क्या लगा कि मुझे चकमा दे के भाग आए मैं तुमको पकड़ नहीं सकता ऐसे कोई डायलॉग्स थे तो मनोज नहीं डायलॉग था इनको आगे से हाथ रखे हाँ अच्छा तुमको क्या लगा चकमा देके भाग जाओगे बोला हट बे और मनोज लाइन इनकी सुन लीजिए बोले बेटा जमुना प्रसाद के गांव है पेड़ के पत्ता भी आवेला पूछेला जमुना भाई हिली हम बोलेला जाओ बेटा हिलो फिर पेड़ पे पत्ता जाला उकरे बाद ही लेला बाबू मनोज जी ने कहा कि मैं पुलिस वाले के किरदार में हूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ तो रवि जी का काउंटर आता है तो हमनी की यहाँ ना लतिया लतिया की मरल जाला काम का करिए लतिया ही उसके बाद दो दिन तक डिस्कशन हुआ कि पहला पंच कौन मारेगा पहला पंच था कि मैं ही मारूंगा उनका था कि पहले मैं ही मारूंगा फिर इन्होंने थक गए ये भी बेचारे खड़े थे इन दोनों के बीच में ही यार मनोज जी यार रवि जी बोलते भाई एक काम कीजिए ना आप एक मारिए मैं बीच में आता हूँ मैं खा लूंगा फिर आप एक मारिए मैं बीच में आता हूँ मैं खा लूंगा एटलीस्ट एक्शन शुरू होगा शुरू हो जाए फिर उधर डायरेक्टर बोलते यस 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 कहा दिनेश जी दिनेश जी दो थप्पड़ खाए हैं उसके बाद एक्शन फाइनली शुरू हुआ कमाल की बात तो ये है कि जो बंदा सोच के आता है कि एक्टिंग करूंगा उसके पास वो गाना गवा दिया जाता है अच्छा अच्छा और इससे कमाल की बात ये है कि जो बोलता है कि सिर्फ गाना गाने आया हूँ बोलता है भाई तू एक्टिंग भी कर हीरो कौन सुनेगा तुझे एक्टिंग कर ये भी होता है अच्छा मैं सोच रहा हूँ सारे स्टार यहाँ पे हैं वहां से सारे शो खेसारी लाल और पवन सिंह ना ले जाए मैंने एक चीज देखी है निरहुआ भैया जो है रवि भैया के बहुत फैन है उनके सीनियर भी हैं बहुत फॉलो करते हैं उनको वो फिल्मों में आए ये भी फिल्मों में आए है ना उन्होंने क्रिकेट खेला इन्होंने भी क्रिकेट खेला वो पॉलिटिक्स में आए ये भी पॉलिटिक्स में आए अगर उनका मन कहीं अफेयर करने का हुआ ओ गॉड नहीं एक चीज छोड़ दिए वो फिल्मों में आए क्रिकेट खेले राजनीति में आए चुनाव लड़े वो भी पहली बार हारे अच्छा तो मैं भी पहली बार वैसे हमें पता नहीं था वो पहली बार आ रहे हैं आपने याद दिला दिया रवि भाई आप निरहुआ भाई आप एक्टर भी सुपरस्टार्स हैं पॉलिटिशियन भी हैं एक सीरियस सवाल है कि अगर एक्टिंग आती हो तो पॉलिटिक्स का रास्ता आसान है या पॉलिटिक्स आए तो एक्टिंग आसान है एक्टिंग आती हो तो मुझे लगता है कि चलता मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स आपके लिए बहुत आसान तब है जब आप दिल से बहुत साफ मेरी नजर में मुझे अगर पर्सनली मेरा ये मानना है कि अगर आप पॉलिटिशियन सक्सेसफुल तब होते हो आप याद किए हो तब जाते हो आपकी मृत्यु के बाद आपकी मूर्तियां लगती हैं जब आप बोलते हो करते हो और आप जनता के साथ गेम्स नहीं खेलते हो जनता के इमोशन के साथ स्टुपिडिटी नहीं करते हो राइट जब आप बोले कि मैं करूंगा तो करूंगा मैं आया हूँ देश के लिए बहुत बहुत बढ़िया विचार है भैया आपके और आप ऐसे ही रहना ऐसे ही हमें अच्छे लगते हो वेरी नाइस बहुत अच्छा किया आप लोगों ने अगले एपिसोड में भी आना है तब डांस भी करना है थैंक यू वेरी मच क्या बात है आज भोजपुरी के सुपरस्टार लोग आए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं
वाह, कैसे आप लोग? हाय, हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? क्या कभी गेटअप में अच्छा नहीं लगता ऐसा करते? खैर, आपको मालूम है अर्चना जी आज जिस गाड़ी में आई ना, उस गाड़ी ने धुआं नहीं छोड़ा, गर्दा उड़ाया है. क्योंकि अब बैल गाड़ी में आएंगी तो गर्दा ही उड़ेगा. खैर, आज हमारे शो पे भोजपुरी इंडस्ट्री के नाम भारत लोग आए हैं. नाम भारत नहीं, नाम चीन होता है. चीन को मैं हिंदुस्तान में नहीं घुसने दूंगी कभी. सही बोला ना रवि जी, चीन को हम नहीं घुसने देंगे. हाँ, खैर तूने कुछ पूछा नहीं सर, क्या लेंगे आप? नूडल लेंगे, मोमोज लेंगे, सूप लेंगे? अभी तो बोल रही थी चाइनीज में घुसने नहीं दूंगी. नहीं, हिंदुस्तान में नहीं घुसने दूंगी ना, पेट में तो घुसने दूंगी. क्योंकि चाइनीज खा के मजा बहुत आता है. खैर, कैसे आप लोग? हाय, मैं बैठूंगी इधर. आज अपने दोस्त लोग है ना, खुला है अपना आज. नहीं, नहीं। अरे पूरा खुल गया तो सहेली दोस्त बन जाएगी सच्ची में. यू अमर पाली ना? यस. हाँ, मैं बिल्ली पाली. ये तो पहले भी बोल चुकी है, अब फिर रिपीट कर रही है. तो तूने कौन सा बाद में डोनाल्ड ट्रंप बुला लिए? तूने भी तो इनको रिपीट किया ना. हाँ, तो मैंने भी जोक रिपीट कर दिया. टिट फॉर टैट, टैट इज माय पेट. बिल्ली पाली, समझी अमर पाली? ऐसा रहता हम लोग का. तू बड़ी फालतू बातें कर रही. तू भोजपुरी फिल्में देखती है? देखती है. तूने बताया नहीं इसको? जानते नहीं. बताने मत लगना. हाँ, मैं ऐसी बोल रही थी. सीरियसली चालू हो गई हम लोग में. भोजपुरी फिल्मों में ना मैंने देखा अर्चना जी वैरायटी बहुत रहती है. अच्छा. बहुत वैरायटी. अभी देखो हिंदी फिल्मों में देख कैसा दरोगा रहता है कप्पू. एक अच्छा दरोगा होता है, एक बुरा दरोगा रहता है. लेकिन इनके पास तो दरोगा का पूरा मेन्यू है. कैसे? रंगबाज दरोगा, इंटरनेशनल दरोगा, भोजपुरी दरोगा, सन की दरोगा, सन की दरोगा. इतने तो इनके वहां पर थाने नहीं है जितने इनके दरोगा हैं. अरे मेहमान है, उनसे बात करना. दरोगा ब्रोगा की बात कर रही हूँ. हाँ, सही बात है, जो लोग बैठे हैं उनका बात करना चाहिए ना. हाँ. क्या बात है, आज हमारे शो पे दो अभिनेत्री और एक अभिनेता आए हैं. एक कहा है, दो अभिनेता है? नहीं नहीं, ये अभी नेता नहीं है. ये अभिनेता नहीं है, ये अभिनेता है. वाह. खैर रवि जी, आप इतने बड़े सांसद हैं, दिल्ली में आपकी सरकार है ना? इनकी कहाँ है? नहीं है. नहीं, नहीं, मैंने कहा दिल्ली में आपकी सरकार है. इनकी सरकार तो बहुत जगह पर है. लेकिन रवि जी, मैं दिल से एक बात कहना चाहती हूँ, आप जितना बढ़िया काम कर रहे हैं ना, अगर आप रशिया के इलेक्शन में भी खड़े हो गए ना, आप हार जाएंगे. वहां मत खड़े होना बाबा, वहां मत खड़े होना बाबा. क्यों? कि आप सही जगह खड़े हो. हाँ, अपने दिमाग से चलो. कोई लड़का ऐसा लड़की बन के कुछ भी सजेशन देगा लेने का नहीं. सही सुर है, तभी तो 4 साल निकाल लिए इसके साथ में. खैर रवि जी, मैं ना घर के भी सारे मैं काम कर लेती हूँ, भांडी भी घास लेती हूँ मैं, और मैं बच्चों का भी ख्याल रख सकती हूँ मैं. सब ये सब उनको क्यों बता रही है? मेरी शादी की उम्र हो गई ना कपूर, तो लड़के से तो बात करनी चाहिए. अरे उनकी ऑलरेडी शादी हो गई है. अरे जो चुनाव में एक बार खड़ा हो सकता है, दूसरी बार नहीं खड़ा हो सकता क्या? क्या बात कर. कैसी हैं आप? ठीक हूँ. वेरी नाइस यू. सेम टू यू. 400 फिल्मों में काम किया आपने, और इतनी खूबसूरत भी लग रही हैं. मेरे को 20,000 रुपया दो ना. क्यों? बाकी सबसे 1 करोड़ मांगती हैं, उनसे 20,000 क्यों मांग रही हैं? नहीं, तो शो के हिसाब से नहीं मांग रही, मेरे से पर्सनल लिया है इन्होंने 20,000 रुपया. कब का लिया था? आज तक मेरे को पैसा नहीं दिया. कब लिया? देख लूंगी मैं तेरे को. सपना, तू गेस्ट का टाइम वेस्ट कर रही है फालतू की बातें करके. अरे लोग फ्री टाइम से आए हैं यार. फ्री टाइम आप लोग का टाइम वेस्ट कर रही हूँ. कप्पू तेरा टाइम वेस्ट हो रहा है क्या? अर्चना जी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है क्या?
मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, इनका हो रहा है, कोई बात नहीं, चलेगा अपने दोस्त में। सपना तू करने क्या आई इधर? एक्चुअली सर आप इतने बड़े एमपी हैं सर, वो बेरोजगार भत्ता दिलाओ ना मेरे को थोड़ा सा। वो उनके लिए होता है जो काम नहीं करते हैं। काम मैं छोड़ दूंगी। साहब प्लीज करवा दो, सब कुछ फ्री है मेरा, प्लीज करवा दो, बहुत प्रॉब्लम होता है मेरे को। ये मसाज करती है ना, इतना प्रॉब्लम हो गया ना मेरे को मसाज कर करके। वो जो एक क्लाइंट है उसके पीठ पे ऐसा मसाज कर करके उसका रीढ़ का हड्डी छप गया मेरे हाथ में। हाँ, और मेरा जो फिंगरप्रिंट है ना वो उसकी पीठ पे छप गया है। अभी प्रॉब्लम ये होती है जब उसका पीठ का एक्सरे होता है तो मेरा हाथ जाता है। हाँ, और मेरे को किसी ज्योतिषी को दिखाना होता है ना तो उसकी पीठ जाती है। अब एक काम के लिए दो दो आदमी परेशान हो रहे हैं, मैं बहुत टेंशन में आ गई हूँ। सपना फालतू बातें करी जा रही हूँ, काम की बात क्यों नहीं करती तू? एक मेन काम था सर। हाँ। मेरा और ये मेरा हम कुछ ना कुछ गिरती है। हाँ। कल भी तू नाच के गई, तेरा ये पता नहीं कहाँ से गिरा। सर मेरा ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर, और मेरा क्या ऑडियंस का भी इतना बड़ा प्रॉब्लम है। अभी क्या है सर, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने के लिए RT-PCR क्या रहता है वो, RT-PCR वो करना पड़ता है। हाँ। नाक में ऐसा वो डंडा डालते हैं। हाँ। इसकी आप जगह नहीं बदल सकते क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है अभी वो बुखार चेक करते तो थर्मामीटर इधर बगल में भी लगाते हैं ना। हाँ, हाँ। इसका भी कोई अगल बगल का रास्ता देखो ना सर। हाँ, वो नाक में ये डंडी डाल डाल के नाक का टोल नाका हो गया। बहुत प्रॉब्लम हो गई सर। सपना तेरा बहुत हो गया, अभी तू जा यहाँ से। ऐसे नहीं जाएगी, मसाज तो मैं करेगी। हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है। हाँ, जी। तो हमारे पास रिंकिया के पापा मसाज है। वो आए नहीं ना, रिंकिया के पापा का मसाज। हाँ, उसमें क्या रहता है, मैं ऐसा बैठी रहती है, थोड़ा ही तेल रहता है मेरे पास में। हाँ। और तीन कस्टमर सामने आके खड़े हो जाते हैं। हाँ। फिर मेरे को फोन आता है रिंकिया का, कह रहे मेरे पापा आ रहे तेरे पास मसाज कराने के लिए, तू उनका मसाज कर देना। और वो फोन काट देती है। मेरे फोन में बैलेंस नहीं होता है। हाँ। तो मैं उसको फोन ही नहीं कर पाती। हाँ। मेरे को पता ही नहीं उसमें से रिंकिया के पापा कौन है। अच्छा। तो मैं क्या करती है, कस्टमर को ऐसा गुजगुली करती है। तो एक हा हा करके हंसता है, एक हु हु करके हंसता है, एक ही ही करके हंसता है। तो जो ही ही करके हंसता है मैं समझ जाती है यही रिंकिया का पापा है। क्योंकि ही हंसते ले रिंकिया का पापा। खैर मैं चलती है, मेरे को बहुत अर्जेंट जाने का है। बहुत सेलिब्रिटी लोग आते हैं ना हमारे पास में। अच्छा। हाँ, अभी फराह खान आई थी मसाज कराने। वो जाते जाते अपना राह छोड़ गई। राह छोड़ राह छोड़। अब जाते जाते वो राह भटक गई है। तो मैंने उनको फोन किया, टेंशन मत लो, आप किसी चाह की दुकान पे रुको, क्योंकि जहाँ चाह। मैं चलती हूँ, बाय। रेबिया आप सोशल मीडिया पे सब लोग हो। हाँ। आपने कभी, आपको पता है मजेदार कमेंट्स कितने होते हैं हमारी जनता के? बहुत क्रिएटिव हो गई हमारी जनता। गालियां ज्यादा होती हैं। नहीं नहीं, वो हम तो उनको एंटरटेन ही नहीं करते, ओनली पॉजिटिव कमेंट्स एंड फनी मजेदार। ओके। दिखाइए जरा। जी वाह, क्या बात है रवि भैया, बड़ी कमाल की फोटो है। दिखाइए कमेंट्स। भोजपुरी माइकल जैक्सन बाप। किसी लिखा है शक्ल से मिथुन दा और कपड़ों से भक्तिदा लग रहे हैं। ये ड्रेस दिखने में तो अच्छी लगती है पर चलेंगे तो घुंघरू की आवाज आएगी। और दिखाइए। ओह माय गॉड, और क्या है? ओह गॉड, रवि बी लाइक, बोला था हीरो लगोगे, ये तो हम बैंड वाला लग रहे हैं। भाई विदेश जा रहे हो तो इस सोने की जैकेट के अंदर भी कुछ पहन लेना, अगर कस्टम ने उतरवा लिया तो जिंदगी झंडवा हो जाए। और दिखाइए। क्या बात है? नाच बैजू नाच। दिखाइए इसके नीचे कमेंट्स।
निरहुआ बनल मेहरारू. नाइस टाइटल. घूंघट में घोटाला टू. भाई तुम लड़के ही अच्छे लगते हो. 5 लड़के हैं बैकग्राउंड में, एक भी नहीं देख रहा. ये बहुत सही है. साड़ी तो पहन ली, अब रिक्शा कैसे चलाएंगे. ये सही सवाल है. और दिखाइए. मेमोरीज निरहुआ रिक्शा वाला 2. ओके. अच्छा अमरपाली ने डाला ये फोटो. कमेंट्स दिखाइए. ओह गॉड, ओह माय गॉड. जब रिक्शे वाले को इतना प्यार मिल रहा है तो क्या जरूरत है कार लेने की. बहुत सही है, बहुत सही है. रिक्शा हिले नहीं इसलिए पहिए के आगे पीछे 2-2 पत्थर लगाए हुए. अच्छा डिटेलिंग देखो आप. क्या देख रहे हैं अमरपाली जी. निरहुआ भाई को ऑफर तो एरोप्लेन चलाने का भी आया है, लेकिन आपकी वजह से ही रिक्शा चलाते हैं. रिक्शा का हैंडल पे 2 कांच भी लगा रखे हैं ताकि पुलिस आए तो दिख जाए. और दिखाइए. ओहो बुलेट रानी. दिखाइए जरा. आपको देख के सांसें तेज हो गई मैडम, कई लोगों ने तो मास्क नाक के नीचे कर दिए. ये इतनी ब्यूटीफुल है, इनसे ना तो कोई नंबर प्लेट पूछेगा, ना हेलमेट, ना लाइसेंस. Exactly. पकड़े जाने पे सिर्फ फोन नंबर पूछेगा. नौकरी पाने के लिए इतनी लंबी लाइन नहीं होती जितनी इनके पीछे बैठने के लिए लगी है. सच में है पूरा गांव वैक्सीन लेने आया. अच्छा है, बहुत अच्छा. और दिखाइए. गंगा जी के तीरे भोरे भोर, पटना बिहार. अच्छा रवि भैया और मनोज भैया, वाह. कमेंट्स दिखाइए. चिंतन करते हुए पॉलिटिक्स में गलत तो नहीं आगे. नीचे और मजेदार है. समझ नहीं आ रहा जो होगा योगा से होगा या योगी से होगा. बहुत अच्छा. रवि टू मनोज, बाबू अपनी ऑक्सीजन लो, हमरी काहे खींच रहे हो. जरूर फोटो निरहुआ खींच रहा है, वो इनको बहुत फॉलो करता है. और दिखाइए. BIPL Season 4. BIPL. अच्छा BIPL भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग. ओके अरे वाह. ओके मैच. तभी CCL नहीं शुरू हुआ, इस बार आप लोगों ने उधर शुरू कर दिया. दिखाइए नीचे कमेंट. पता नहीं क्या होगा. रवि भी लाइक, बॉल कैसी भी डालो ध्यान रखना हम आउट नहीं होने चाहिए. भैया आपको बॉल खिलाकर आउट करें या बोतल पिलाकर. भैया नाली में बॉल गई तो आपको ही लानी पड़ेगी. भैया बैट आपका है इसका मतलब ये नहीं हमेशा हमसे ही बॉलिंग करवाओ. दिनेश भी लाइक, ज्यादा मत पीटना आज मैच देखने हमारी वाइफ आई है. और दिखाइए. आई मिस ट्रेवलिंग सो मच, सेम हेयर. दिखाइए. ओह गॉड क्या होगा. पीछे पलट के देखो वो स्टैचू आपको हग करना चाहता है. दूर की नजर भैया. अगर ISD फ्री है तो मुझे कॉल करें, मेरी आउटगोइंग बंद है. समझ नहीं आ रहा पेंट के साथ जूते मिले हैं, जूते के साथ पेंट. और दिखाइए. याद भी नहीं आखिरी बार ट्रेन का सफर कब किया था, आज फिर ये मौका मिला. सच कहूं तो सफर का असली मजा ट्रेन में ही है. सफर खूबसूरत है मंजिल से भी. आहा क्या बात कही है. थैंक यू. कहाँ जा रही हैं आप ट्रेन में बैठ के. मैं अजमेर जा रही थी. पर आप तो अच्छा खासा कमाती हैं, ट्रेन में कहाँ जा रही हैं. दिखाइए जरा कमेंट. वैसे तो एक ही TT आता है, आज देखना इनके चक्कर में 5 TT ड्यूटी बदल बदल के आएंगे. आपको तो ट्रेन में मजा आ रहा है, आपके साथ जो लोग सफर कर रहे हैं उनको तो और भी मजा आएगा.
मैडम आप तो बस स्माइल दे के सीट कंफर्म करवा लेती होंगी। और दिखाइए। रानी जी सीट मत बदलना, मैं अगले स्टेशन पे आपको हाथ हिलाने के लिए खड़ा हूँ। फोटो के चक्कर में ध्यान रखना, नीचे से चप्पल ना चली जाए। ये अच्छा था। और दिखाइए। ओहो वाओ डैशिंग मैन। आंखें रवि भैया आपकी कमाल है, मैं देख फोटो कितना कुछ कह जाती है, देख रही आप बहुत ही खूबसूरत फोटो, दिखाइए जरा कमेंट्स। लगता है ठाकुर साहब नृत्य देखने जा रहे हैं। सोच रहे हैं बंदूक लेके निकलूं या गजरा। आप चाहे कितना भी जल्दी तैयार हो जाओ, जब तक श्रीमती जी तैयार ना हो जाएं आप कहीं नहीं जा सकते। सच। पानी ज्यादा मत पीना, ऐसे कपड़े पहन के बाथरूम में बड़ी दिक्कत आती है। और दिखाइए। वाह। चली चली चल चली नदिया के पार, क्या बात। आहा, ये कौन से पिक्चर का है? नहीं भी, वो डूइंग एन एड शूट, एड शूट कर रहे थे। अच्छा, एड भी आपने लपक रखे हैं सारे। वाह। दिखाइए जरा कमेंट्स। लड़की के चक्कर में एक चप्पू घर भुलाए। 15 साल से नाव चला रहे हैं, ऐसी मछली हमारे हाथ तो कभी नहीं। स्माइल देख के मैडम बोट का किराया बचा रही हैं, देखना थैंक यू भैया बोल के निकल जाएंगे। और दिखाइए। भाई कभी रिक्शा चलाते हो कभी नाव चलाते हो, हम एक फटा नोट दे चला दोगे क्या? और क्या क्या लिखते हैं? अरे यार बड़ी मजेदार। धन्यवाद। अच्छा, हमारे दर्शकों के कुछ सवाल है। वाह। वो आपके फैंस आपसे जानना चाहते हैं जी। कि ये चारों से सवाल है, कोई भी जवाब दे सकता है। आपने कभी भेष बदल के अपनी ही फिल्म थिएटर में जाके लोगों के बीच देखी है? जी। सबने देखी है? हाँ। तो लोगों ने पहचाना नहीं आपको? नहीं, many नहीं। Times, लेकिन कैसे भेष बदला, मतलब क्या किया भेष बदलने के लिए? जैसे मैं तो फिल्म शुरू होने के बाद जाता था अंधेरे में और खत्म होने के पहले निकल गया, तो हम लोगों ने ऐसा बहुत बार किया है कि हम लोग जब ऑडियंस सेटल हो गई थिएटर में, देखिए हम लोग पॉसिबल ही नहीं, हम चारों कहीं थिएटर में कभी हाथ लग गए तो हम लोग तो मतलब जीवित नहीं बच पाए। मैंने मैंने कुछ नहीं किया था ज्यादा, मैंने सिर्फ मेकअप कुछ भी नहीं किया था। हम लेडीज के लिए काफी है। हमारे लिए वही काफी है। इस बात के लिए रानी के लिए जोरदार ताली। और कभी अगर रानी जी आप लोगों को बिना मेकअप के दिखे तो डरिएगा मत। और एक इंसिडेंट हुआ था, मेरी मम्मी मेरी पहली फिल्म देखने के लिए गई थी। हाँ। मैं नहीं गई थी। हाँ। तो बगल में एक बंदा बैठा था और उन्होंने कहा कि पता है ये हीरोइन मेरे बगल में रहती है। तो मम्मी ने कहा कि अच्छा, बोला हाँ, और बोलने लगा। मेरी मम्मी इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई, बोली ये मेरी बेटी है ये। अच्छा कपिल बाबू, ये किस्सा दिनेश बाबू सुनाए थे और तू सुनावा हो, जब नया नया रहे तो हमारे साथ कुल खिंचाई होत रहा इसे। हाँ, क्या हुआ कि मैं पहली बार फिल्म कर रहा था निरहुआ रिक्शा वाला। हाँ। तो मैं तो एक्टिंग सीख ही रहा था। हाँ। वो जो मेकअप वाला था वो मेकअप सीख रहा था। तो मैं सिंगर से एक्टर बना था। पहले मूछ दाढ़ी सब थी मेरी। तो उसमें पूरा क्लीन करके और उसने मेकअप वेकअप कर दिया और फिर मैं गाड़ी में बैठा था कि शॉट रेडी होगा तो मैं जाऊंगा शॉट देने। तब तक बहुत सारे लड़के दौड़ गए, कहाँ निरहुआ कहाँ निरहुआ कहाँ निरहुआ, गाड़ी के पास बस इसमें तो कोई लौंडा बैठा। मेकअप मेकअप इतना ज्यादा लगा, ज्यादा लाल पीला मेकअप पूरा इधर लाल कर दिया इधर लाल कर दिया पूरा। तो अभी जब मैं फिल्म कर रहा था नाच बैजू नाच, तो डायरेक्टर साहब बोले क्या करोगे? हाँ। मैं बोला कुछ नहीं करना है। हाँ। क्लीन सेव कर लेते हैं। हाँ। और थोड़ा लाल पीला कर दीजिए, वो ऑडियंस पहले ही मुझे दे चुकी है सर्टिफिकेट। जैसे रानी ने बताया ना कि मेरी मम्मी बोलती है कि रे मेरी बेटी है वो, मेरी मम्मी ये शो पे ज्यादा आती नहीं थी। हाँ। तो प्रणाम 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 प्रणाम।
तो मम्मी गई किसी मंदिर में, तो वहां बातें बातें चल रही है, वो तो शो अभी नया नया आया था, पूरा बूम पे है ना, तो मम्मी को रहा नहीं गया। मम्मी कहती है वो मेरा बेटा है, और दो लड़कियां कहती नहीं है ऐसे, हम ऐसे नहीं मानते। मम्मी को गुस्सा आया, मम्मी कहती नंबर लिख फिर उसका। और वो तो ऐसी लड़की को नंबर बांट के आ गई। मेरी मम्मी ने नंबर दे दिया उनको, नंबर दे के आ गई। फोन उठाया, मैं कहा आप कौन? कहती है आप कपिल बोल रहे हो? मैं कहा जी कपिल बोल रहा हूँ। मैं तो कहती है आपकी मम्मी मिले थे मंदिर में? तो हमने कहा कि नहीं आप झूठ बोल रहे। तो उन्होंने कहा नंबर लो अभी पूछो उससे। अच्छा उसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ। मम्मी गई वैष्णो माता घूमने, अब वहां पे दो लड़के मिल गए। तो मम्मी को मैंने सिखाया था, मम्मी मेरा कोई भी नंबर मांगे आपने देना नहीं है। मम्मी कहती अच्छा ठीक है अब नहीं दूंगी। फिर लड़का आया, अरे आंटी जी कपिल से बात ही करवा दो आपके। तो मम्मी कहती है मुझसे कहाँ मिलता है, दो दो साल हम मिलते ही नहीं है। वो सोचता होगा ये कैसा लड़का है, अपनी माँ से दो दो साल नहीं मिलता। बीच का रास्ता मम्मी कोई निकाल रहा। आम्रपाली जी ऐसे मुझे बहुत फंसाती हैं। अच्छा कभी हम लोग अगर फिल्म देखने गए तो ऑटो में ही निकल जाते हैं कि चलिए देख के आते हैं। तो मास्क लगा के रखे हैं तो कोई पहचान नहीं रहा है, फिर भी वो ऑटो वाला थोड़ा थोड़ा सोच रहा है, कुछ तो डाउट हो रहा है उसको। अच्छा तो बोला आप फिल्मों में काम करते हैं क्या? बोले नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, आपके जैसा है एक, वो हम लोग का हीरो है। अच्छा आप देखना कभी, क्या मस्त बहुत अच्छा करता है। अच्छा। बोला अच्छा ठीक है मैं देखूंगा। और मैं एकदम सेफली बच के गया और इनके घर पे इनको ड्रॉप किया। और ये जैसे उतरती है बोलती है निरहुआ। अब ये बोल के तो चली गई। अब तुम्हारी शादी। अब वो मुझे पूरा चौल में घुमा रहा है। बोला भैया छोड़ दो, भैया छोड़ दो। ऐसे कैसे भैया, ए कुबेर, अरे आवा मुड़वा पर निरहुआ, निरहुआ की गाड़ी आप बैठो ले, आजा आजा आजा। फिर पता चलता है मैं 3-4 घंटे बाद घर पहुंच रहा हूँ। दिल तोड़ भी नहीं सकते हमारे फैन हैं, वही सब कुछ वही 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 लोग होते हैं। अब सबके साथ सेल्फी हो रही है। भैया थोड़ा सा आजा चौराहा, वहाँ चाचा भी हो तो एक फोटो उन्हें चलेगा। ब्लेसिंग्स हैं ये एक्चुअली। बंद तो गई थी दिहाड़ी आपकी ओपनिंग में, अभी दोबारा क्यों आ गई? कपूर शर्मा, आई एम नॉट डन येट। माय गॉड, अब ये सबके यहाँ प्रमोशन करता है, मैंने तुम्हारी यहाँ प्रमोशन कर दी। शुक्रिया। वैसे ये मैं आप सबके लिए लाई हूँ। ये होटल जैसा तो नहीं है ना? नहीं नहीं ये अच्छे से आया, एकदम फ्रेश फ्रेश आया है। ये देखिए, हाँ तो होटल में कोई भी प्रॉब्लम अगर हुई हो तो प्लीज उसके लिए माफ कर दीजिए। 15 साल का करियर है, 13 साल इसके सॉरी सॉरी बोलते निकल गए। 2 साल क्यों छोड़ दिए? 2 साल तक तुझे बोलना थोड़ी आया था। कब तुमको लड़ने का इतना शौक है तो तुम चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते? क्यों नहीं लड़ लेते? मुझे अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। पता तुम्हारे लिए एक डील है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो लोग तुम्हारा मुंह चाहते हैं एज ए चुनाव चिन्ह। वो कह रहे शर्त ये है कि खुद आके ठप्पा लगाएंगे ऐसे सब। अच्छा है उनके भी चुनाव हो जाएंगे, तुम्हारा मुंह सीधा हो जाएगा। दिस इज वेरी बैड कपू, मैं कैसे बात करने दो मुझे प्लीज। रवि सर जी, मेरा ना एक इवेंट्स का कंपनी है। तेरी तो होटल कंपनी थी थोड़ी देर पहले। ये साइड बिजनेस है कपू। आपको पता है साइड बिजनेस इतने करती ना, लोग निकल रहे होते ना बोलते ओहो इधर फिर बिजनेस खोला, साइड से निकल जाओ, इतने बिजनेस खोलती है। बहुत ज्यादा बिजनेस है। कपू तुम भूरी की जिस साइड बिजनेस के बारे में बातें बना रहे हो ना, देखना एक दिन वही ना बहुत बड़ा ब्रांड बनेगा। इट बी अ बिग ब्रांड। बड़ा ब्रांड तू छोड़, ये तू रात को जो सस्ता ब्रांड पिया है ना, तू नींबू पानी पिए तभी उतरेगा वो। अच्छा लगता है ऐसी बातें करते हुए। रानी Yes. दुश्मनों को यही खल रहा है कि तूफानों में भी हमारा दिया क्यों जल रहा है। बिजली का बिल नहीं दोगे तो दिए जलेंगे तुम्हारे। उस दिन बिजली वाले इनका घर का कनेक्शन काट गए, इन्होंने फिर नहीं बिल दिया, दूसरी बार फिर आए, वो कहते अब क्या काटे, कनेक्शन भी काट चुके हैं वो। फिर इनके पिताजी का एक कान काट गए। अभी आप देखो इनके पिताजी कॉफी वाला मग लगते हैं एक साइड से। Oh, my God.
की बातों पे प्लीज ध्यान मत दीजिए। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मेरा एक इवेंट कंपनी है और मुझे एक बहुत बड़ा ऑफर मिला है लंदन में भोजपुरी अवार्ड शो करने का। तो अगर आप लोग फंडिंग करते तो शो ही तो जाए। बेसिकली अच्छा काम वही है, मांगने वाला वाया लंदन आई इस बार। भोजपुरी के बाहुबली और बाहुबलियां आई हुई है और मुझे किसी ने बताया भी नहीं है। वो उठ भी नहीं रहे हैं गरीबों के अल्लू अर्जुन। ये है मेन सुपरस्टार आपका जो डायलॉग है ना, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, वो जो झंडवा है यही है। और झंडवा होने के बावजूद पता नहीं किस बात का घमंडवा है। घमंडवा घमंडवा क्यों ना हो, इतने महंगाई के दौर में 15 किलो आटा है, 10 किलो दाल है, 2 किलो चीनी है, तुम्हें क्या पता और सलाद खाने वाली औरत कि इनकी क्या वैल्यू होती है। आई हंसी किसी बात पे। एक काम कर, तू उधर चल, तुम उधर चलो। वो इधर नहीं चल रही, उधर जाकर क्या चलेगी वो। यहाँ सबको पता है कि यहाँ चलने की जरूरत किसको है। शाबाश। है ना, तो इस फालतू से आदमी को इग्नोर करते हुए मैं बोल रही थी अवार्ड शो के बारे में बात कर रही थी। यस, लंदन में। तो आप सब चीफ गेस्ट बन के आ जाइए, बहुत अच्छा होगा। सारी बात झूठ बोल रही है, लंदन के वीजे के लिए ये सारी बात कर रही है। ये वीजा लेने के लिए गई थी, एम्बेसी वाले ने पूछा लंदन में रुकना कहाँ है, क्यों तुमने, इतना बड़ा लंदन है कोई ना कोई तो रुका ही लेगा। किसी को हंसी नहीं आई। नहीं यार, पूरी बात तो सुन लो, आगे हंसी वाली बात आगे है। उन्होंने वीजा रिजेक्ट कर दिया, फिर वो पिज्जा खाने लगे, कहती चलो वीजा नहीं देना, रहने दो, पिज्जा तो थोड़ा सा दे दो। कोई पिज्जा वीजा नहीं मांगा। अब इसे ज्यादा बोला ना तुमने चंदू, मतलब इन्हीं के ऑपोजिशन पार्टी का चुनाव चिन्ह तुम्हारे मुंह पे होगा। ओए कैसी बातें कर रही भूरी, मैं तो इनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा हूँ। आओ मिलकर गठबंधन करें, कितना अच्छा लगेगा जब 3-4 उम्मीदवार गलियों में दौड़ते रहेंगे। रवि भैया इसको बोलो सेम डायलॉग ना, बिना हाथ हिलाए ये सब पूछो आप एक बार फिर से। एक बार ट्राई चंदू, ट्राई एक बार, चलिए एक बार ट्राई कर लीजिए एक बिना बार हाथ हिलाए। डालो ले बिना हाथ, क्या था मुझे याद करने दो। अरे हाथ 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 और मैं इनकी बात का हाथ चश्मा निकालो। हाँ दिखता ही नहीं है तुम। हाँ मैं इनकी पार्टी का चुनाव ये बड़ा धोखेबाज आदमी क्या करता है ना, हर इलेक्शन में ना एज ए आजाद उम्मीदवार खड़ा हो जाता है। इसके है 30-35 वोट, फैमिली बहुत बड़ी है, काम धंधा कोई है नहीं, फैमिली बढ़ जाती है। और ये इलेक्शन में आजाद उम्मीदवार खड़ा हो जाता है, फिर सामने वाले उम्मीदवार से 15,000 लेके बैठ जाता है, ये इसका काम है। एक बात बताओ, ये पिंपल तूने अफोर्ड कैसे कर लिया? ये कल मेरे को कहती रवि किशन आ रहे, निरहो आ रहे, वो पार्लर गई, कहती मेरे बालों में कर्ल डाल दो, वो कहते 3,000 रुपया, कहती ले 3,000, इसने टेबल फैन ऑन किया उसमें सर दे दिया। भाई आप इतनी बड़ी बड़ी रैलियों में जाते हो, इन दोनों को ले जाके वहां के गुम कर दो ना प्लीज। मैं कैसी बातें कर दो यार, हम जैसे जंग यंग कपल की उम्र है। हंसना नहीं किसी ने, रुको मेरे को बोलने दो पहले। शुक्र कर लोग हंस रहे। हम जैसे कपल्स की उम्र है, कोई रैलियों में जाने के नहीं, भेजना तो हमें मालदीव्स भेजो, हम भी देखें नीला पानी कैसे होता, सलाद कैसे तैरता पानी में। मालदीव जाएगा ये। हाँ ये परसों एक ऑटो वाले कहता मलाड जाएगा, कहता मैं तो चला जाऊंगा, तू कैसे जाएगा। एटीट्यूड देखो इसका, ये मांगने का कोई मौका नहीं छोड़ता। आप वैसे नॉर्मल हाथ दिखा, ऐसे ठीक है इसका हाथ, एक्सरे कराओ उसमें इसका हाथ ऐसे आता है। ओह तुम ना ज्यादा हंसो, मुंह पे हाथ रख के हंस रही हो, हंसी तुम्हारी लीक हो रही है।
मैं ना यहाँ पे काम की बातें कर रही थी। चंदू तुम कहाँ बीच में, मतलब ये आदमी जो है। हाँ आप अवार्ड की बात के बारे में क्या बताऊँ, कौन आदमी जो अपने पिताजी किराए पे दे देता है, देखो। अरे बैठ बैठ इधर। अमरपाली पूछ रही थी कि चंदू नहीं आया आज। ओ यार नहीं नहीं, फिर बाद में तुम्हें चाय लानी पड़ेगी, अच्छा लगता फिर। अच्छा क्या कह रही थी तुम? मैं कह रही थी मैंने भोजपुरी अवार्ड फंक्शन के लिए खेसारी लाल जी से भी बात कर ली है। ओके। तो ही हैज अग्रीड। मैं तो इंस्टा पे उनके साथ चैट भी किया है और वो एक्साइटेड है आने के लिए। कोई एक्साइटेड नहीं है वो, खेसारी लाल मैं ही हूँ तुम्हारा। व्हाट डू यू मीन? फेक आईडी मैंने बनाई है, ध्यान से देखना, खेसारी में ट्रिपल ए डाला हुआ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फेक आईडी बनाने की? अच्छा तो तुम जो रानी चटर्जी की फोटो लगाकर कभी पांडे से बात करती हो, कभी मुझसे बात करती हो, वो पर रवि भाई इसको प्लीज आप कहीं बोल के, आपकी इतनी जान पहचान है, इसको नौकरी दिलवाएं, बड़ा टैलेंटेड है। क्या भागते हो, कुत्ते को चड्डी पहना देता है ये। अब मैं मेरी बात हंसने वाली को, अब मेरे को नंगे कुत्ते भागते नहीं अच्छे लगते, मैं क्या करूं? देखा कुत्ते भागते, कुत्ते ही डर के भागे तो ये मारेगा, खड़ा खड़ा हाथी धो देता है ये। आप बिलीव नहीं करोगे रवि भाई, इतना कंजूस आदमी है। बिल्ली आई इनके घर, एक गिलास दूध पी गई, इसने उसका 3 गिलास निकाल लिया। यार तुम ये था स्क्रिप्ट में जो बोले जा रहे हो तुम? मेरा दिमाग खराब कर रहे हो चंदू, क्यों? मेरा तो कर ही रहे हो, गेस्ट का भी कर चुके हो। भूरी तुम दिमाग खराब करने की बात कर रही हो, मेरी जवानी खराब हुई जा रही है। जवानी बच्ची का वक्त आ गया है, आओ हम मिलकर अपने इश्क का गर्दा उड़ा दें। पीछे तेरी बुआ गर्दा उड़ा रही, पहले उसको जाके दे गर्दा उड़ा रही। भूरी इतनी बड़ी दुकान है मेरी, सब कुछ मेरे पास है, शादी कर लो मेरे साथ, क्या प्रॉब्लम है? दुकान के साथ जो मुझे लड़का मिल रहा है वो मुझे नहीं चाहिए। पूरी दिखा यार, ठीक तो है, ऐसे मुंह देख के लड़के की शादी नहीं करते। फिर तो क्या देख के शादी करते? मैं वो बाद में बताऊंगा। अच्छा मेरी बोरी मेरी बात सुनो, तुम जहाँ कहोगे मैं तुम्हें ले जाऊंगा हनीमून के लिए, पेरिस भी लेकर जाऊंगा तुम्हें, और बताओ। और तुम लोग सारी फैमिली घूमने जाते हो तो टेरेस पे जाते हो, तो उसको पेरिस कहाँ लेकर जाओगे? हैं? वो भी तो टेरेस जाती है घूमने हमारे साथ। ये तो नहीं, मैं इनको एक दिन बहुत बड़ी बिल्डिंग के बाहर देखा, अपने डैडी के साथ गई थी, और चौकीदार ने रोक लिया, कहता किधर जा रहे हो? कह रहे नहीं बस बिटिया को लिफ्ट दिखानी है। बोरी मेरे होने वाले डैडी को मैनर्स नहीं है? उसके होने वाले डैडी के पास स्लीपर भी नहीं है, उनको पहले चप्पल ले। सानी लगे बच्चे, तुम में ऐसा क्या है जो मैं तुमसे शादी करूं? तो तुम में ऐसा क्या है जो तुम्हारे इस सवाल का जवाब दूं मैं? देखा ये अच्छा था, मैं कितना हाजिर जवाब हूँ, 36 के 36 जवाब मिलते हैं, गुण मिलते हैं, गुण गुण तो फिर इसमें एक भी नहीं है, उसमें क्या? क्यों नहीं गुण मिलते भी? मैं इधर स्टेज पे आ गया, इतना बड़ा शो है, इस स्टेज पे मैं सांस ले रहा हूँ, एक अच्छा वाह, टांगे मेरी कांप नहीं रही, दो अच्छा वाह, फंबल मैंने मारे नहीं आज, 3 नहीं, गुण तो बहुत है फिर, इतनी बेइज्जती के बाद भी रुका है, 4 उसने मुंह पे मना कर दिया फिर भी नहीं जा रहे, 5 गेस्ट भी सोच रहे कब जाएगा, 6 और क्या चाहिए तुम्हें? सिर्फ तुम पे जमता है, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंड। अच्छा देख लो लाइन फिर रवि जी की बोली है, इसके पास अपना कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है। अच्छा तुम लोगों को बहुत रिस्पांस मिल गया, इससे पहले हमारे गेस्ट हाथापाई पे उतर आए, तुम लोग निकलो। नहीं नहीं मैं तो जा रही हूं, मेरी बात सुनो, तो जा रही हूं, तुम लोग कहां हो जाओ, मेरा फोन आके निकलता। ओह एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए, आइए भैया। रवि भैया, निरहुआ भैया, रानी आम्रपाली,
मैंने ये बात पहले भी कही और मैं अब भी दिल से बोल रहा हूँ कि जब भी आप लोग आते हैं वाकई में गर्दा उड़ा देते हैं और बहुत मजा आया और ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाली फिल्मों के लिए, आने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए। हैं हम लोगों को आपको धन्यवाद, समस्त आपके सोनी चैनल को धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों आप सबसे अनुरोध है, बाजारों में भीड़ करने से बचें, मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। गुड नाइट।